स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूँ निशा खन्ना। जैसे कि दिन प्रतिदिन जो आंकड़े हैं कोरोना के बढ़ रहे हैं, वही हम कितने नंबर की बात करते हैं। आज से 5 दिन पहले रामगली में कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए थे। रामगली को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वहीं बीते दिन भी प्रेमगली के अंदर भी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। जो कोरोना का मरीज आया है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। वहीं प्रेम गली भी पूरी तरह से सील है। कीर्ति नगर की आपको बता दूं, कीर्ति नगर के अंदर अभी जो स्नातक स्ट्रीट है, कीर्ति नगर चौक में, वहां पे कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति है जो, उसकी रिपोर्ट है जो वो कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वहीं आपको हम बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, कीर्ति नगर जो चौक है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन है जो, वो भी पूरी तरह से तैनात है। नाकेबंदी में आपको लाइव तस्वीरें दिखा देती हूँ। नाकेबंदी कर रहे हैं तो आइए आपको इधर की तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो तैनात है। वहीं प्रेमगली की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, प्रेमगली के अंदर भी किस तरह से नाकेबंदी कर रहे हैं। तो वहीं मैं आपको अगले ड्राइवर भी और जो सुखा के अंदर कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं वहाँ पर लेकर चलूँगी और वहाँ की भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि आखिर शिक्षा के अंदर किस तरह का माहौल है। और जो कोरोना के आंकड़े हैं प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, तो इसी तरह बलपुर की टीम भी आपसे अपील करती है कि आप अपने घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिए और आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलिए। फेस्टिवल से घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि जो कोरोना है उसने दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कर ली है। शिक्षा के अंदर जो रुख है कोरोना ने पूरी तरह से कर लिया है और आंकड़े हैं रोज के आप देख रहे हैं। हम आपको अपडेट दे रहे हैं कितने आंकड़े आ रहे हैं, तो इसी तरह हम आपको देखते रहेंगे। अगले अपडेट भी दे रही है आप हमारे चैनल के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन दीपक सोनी के साथ मैं निशा खन्ना, पल पल, धन्यवाद।